जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? 31 मई 2023 निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी व्रत को सबसे ज़्यादा पुण्य वाला व्रत माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि पूरे साल भर में अगर आप कोई एकादशी ना कर पाएं और इस व्रत को आप पूरे नियम और संयम के साथ पूर्ण कर ले तो आपको बाकी एकादशियों का भी फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में आपको अन्न के साथ साथ जल भी त्याग करना पड़ता है। निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथ से जल से बनी हुई कोई चीज़ दे दें, जैसे कि शरबत हो गया, जैसे कि शिकंजी हो गई, तो ऐसा कहते हैं कि श्री हरि का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदा सर्वदा बना रहता है। निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप अपने हाथों से किसी व्यक्ति को अन्न दान करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप खर्च कर सकते हैं धर्म के नाम पर, तो आपको निर्जला एकादशी वाले दिन पानी के स्त्रोत्र जगह जगह पर लगवा देने चाहिए। हमारे यहाँ तो प्याऊ बनवा देते हैं लोग, अब थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं तो आप वाटर कूलर मशीन लगवा सकते हैं, आप पानी की बोतलों का वितरण करा सकते हैं। जो आप जैसा कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा जल वितरण करिए, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि ज़रूर आएगी। निर्जला एकादशी पर कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आए। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। अगर आपको जीवन के अंदर सूर्य की खराबी नज़र आ रही है तो आपको कच्चे दूध के अंदर केसर डाल के भोलेनाथ के ऊपर आज के दिन अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको चंद्रमा बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं तो आपको श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में आज के दिन सफ़ेद रंग की माला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अगर आपको मंगल की वजह से आज के दिन कोई दिक्कत हो रही है तो आपको लाल या भूरे रंग की गाय को अपने हाथ से गुड़ और रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर आपको बुध की वजह से दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं तो आपको आज के दिन श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में पान के पत्ते के ऊपर 2 इलायची रखकर ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में गुरु की वजह से दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं तो आपको आज के दिन श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर उनके पैरों पर चंदन का लेप ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको शुक्र की वजह से दिक्कतें हो रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको आज के दिन कमल गट्टे की माला या कमल के पुष्प, कमल नयन को ज़रूर चढ़ाने चाहिए। अगर आपके जीवन में शनि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है तो आपको आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए और आपको 11 परिक्रमा लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आर्थिक रूप से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको पीले रंग का एक चौकोर कपड़ा ले लेना चाहिए। इसके चारों तरफ आपको गांठ लगा देनी चाहिए और इसके अंदर आपको हल्दी में रंगी हुई 7 पीली कौड़ियाँ रख देनी चाहिए। इसके चारों डायरेक्शंस को पकड़कर आपको मोली से इसे बांध देना चाहिए, हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना चाहिए। करके देखिए, छोटा सा उपाय है, जीवन में इससे आपके परिवर्तन ज़रूर आएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है और वो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको आज ये छोटा सा काम ज़रूर कर देना है। मोर पंख ले लीजिए और मोर पंख से आप अपना नाम पानी के ऊपर लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे और क्या करना है बहुत प्यार से समझिएगा। आपको चावल की एक ढेरी रख देनी है, उसके ऊपर पानी को किसी पात्र में रख दीजिए और खुले पात्र में रखिएगा। ध्यान रखिएगा पात्र ऐसा हो जो आप छोड़ आएंगे तो आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए, चाहे स्टील का ले लीजिए, चाहे कांच का ले लीजिए, लेकिन वो आपके घर में दोबारा यूज़ नहीं होगा और वापस आएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए, पानी में आपको चुटकी भर हल्दी डाल देनी है, मोर पंख लेना है और मोर पंख से अपना नाम उस पानी में लिख देना है और उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करना है।
108 बार आपको उनके मंत्र का जाप करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो मधुराष्टकम का पाठ कर लीजिए। अगर आप उसको ना कर पाएँ तो आप YouTube पे मधुराष्टकम लगाकर सुन लीजिए। आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, प्रभु को अपने भाव अर्पित करिए, उनसे प्रेम जताइए और उनसे विनती करिए कि मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं उनको दूर करिए और मेरी ये मनोकामना है इसे सिद्ध करिए। उसके बाद आप ये जो चावल है इसे एक लाल कपड़े में बांध दीजिए और ये जो पात्र है इसे ले जाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए। वो जो आपने पोटली बनाई थी ना चावलों की, उसे भी आप वहीं पर खोलकर चारों तरफ बिखेर दीजिए ताकि उसे पक्षी खा लें। आपको ये छोटा सा कार्य कर लेना है और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। एकादशी पर करा हुआ ये कार्य लाखों लोगों की ज़िंदगी परिवर्तन कर चुका है, आप ज़रूर करिएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।